हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। द फाइटोप्लैंकटन एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 6, 10th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें यहाँ पर आप ब्रेन की पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको एहसास हो रहा होगा कि चैप्टर के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होने वाला है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज। बॉडी साइज के अकॉर्डिंग किसमें सबसे बड़ा ब्रेन होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया। आंसर्स आप मुझे बताएंगे। बच्चे, इस चैप्टर को हम एक बुनियाद से स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका एक उसूल होता है। क्या उसूल होता है? कि वो खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। दूसरों को कितना भी हर्ट करें लेकिन अपने आप को हर्ट नहीं करते। तो इस चैप्टर को हम इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। एक्चुअली में हर्ट करने से मतलब क्या है कि मान लीजिए हमें कोई भी कांटा लगता है, ठीक है, ये कांटा लगा हुआ ये हमारे पैर पर यहाँ पर लग जाता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे कांटा लगा, हमें वहाँ से पैर हटाना है, ठीक है, या हमें किसी भी एनवायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि बारिश हो रही है या फिर धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, कुछ भी हो रहा है इस तरह का, तो कैसे हम एहसास करते हैं कि ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्यों रिस्पॉन्स करते हैं उसके प्रति। तो ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। एक्चुअली जब हमने लाइफ प्रोसेस की बात की थी तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स पढ़े थे, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स क्यों होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? ताकि उनके जो फंक्शन है उनको मेंटेन कर सकें, ठीक है। हमारे अंदर एक नोशन जनरली आता है कि जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं वो अलाइव होती हैं, लेकिन क्या बच्चे सारी चीज़ें जो मूव कर रही होती हैं अलाइव होती हैं? ये आपको पता है ऐसा नहीं है। कार भी मूव करती है जो कि अलाइव नहीं होती। खैर, हमें क्या बात करनी है, सम ऑफ दीज मोमेंट, इस तरह के जो मोमेंट्स हम देखते हैं दैट आर द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ग्रोथ की वजह से भी मोमेंट होते हैं इन प्लांट्स। अब जैसे बच्चे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया सीड का, जब एक सीड जर्मिनेट करता है, वो ग्रो करता है, तो उसकी जो सीडलिंग से वो बाहर की तरफ आ जाती है एंड कुछ दिन के बाद वो जो मिट्टी होती है उसके ऊपर उसको बाहर कर देता है। मिट्टी के अंदर सीड पड़ा हुआ, इस तरीके से मिट्टी पड़ी है, जब वो ग्रो जर्मिनेट करेगा बाहर निकलेगा तो मिट्टी एक साइड में हो जाएगी। इस तरह का जो मोमेंट हो रहा है ये मोमेंट कैसा है बच्चों? ग्रोथ वाला मोमेंट है। लेकिन सारे मोमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते, कुछ मोमेंट्स बिना ग्रोथ के भी होते हैं। जैसे जब एक कैट रन कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, बफेलो कट चुई कर रही कट को, ये सारे मोमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह के मोमेंट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्यों एसोसिएट करते हैं? इसका पॉसिबल आंसर होगा, वी थिंक ऑफ ए मोमेंट एज ए रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सोचा कि कैट अगर रन कर रही है तो हो सकता है कि एक माउस को उसने देखा, उसके पीछे दौड़ रही हो। इतना ही नहीं, वी ऑल्सो थिंक ऑफ ए मोमेंट एज एन अटेम्प्ट बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू यूज चेंजेस इन दियर एनवायरमेंट टू दियर एडवांटेज। हम ये भी सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड उसके लिए वो रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे कि अगर सनराइज हो रहा है तो एनिमल्स बाहर आते हैं निकल के, एनवायरमेंटल एडवांटेज है। अगर बारिश पड़ रही है तो उसके लिए हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स। अगर सनसेट होता है तो हम अपने अपने घरों में जाते हैं। तो ये सारे क्या है, एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और हम उसके लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, जब सनशाइन होती है तो प्लांट्स ग्रो करते हैं। चिल्ड्रंस बच्चे इसलिए खेलने जाते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है खेलने में। बफेलो क्यों चुई करती है अपने खाने को? क्योंकि उसका जो टफ पार्टिकल्स है उनको ब्रेक डाउन करती है। तो ये सारे सिस्टम्स क्यों हो रहे हैं? अपने बेनिफिट के लिए हो रहे हैं, अपने फायदे के लिए हो रहे हैं। व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड इन आवर आईज, हमारी आंखों पर जब ब्राइट लाइट पड़ती है या हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम उसको डिटेक्ट करते हैं एंड हम उस चेंज को, जो चेंज हुआ उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं टू इट विद द मोमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा था कि हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे इस बुनियाद पे कि हम खुद को हर्ट नहीं करेंगे, राइट। देखिए बच्चे, यहाँ पे डिटेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ आपके पैर से आके लगे, पैर से कहीं से बॉडी के किसी भी पार्ट से, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो जैसे ही हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि कुछ आके लगा, अभी तक दर्द नहीं, अभी कुछ आके लगा, यहाँ तक समझे, तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, हमें स्टिमुलस मिला, ओके। नाउ अब हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अब हमारी स्किन पे अगर आके लगा है तो हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करेंगे और हम वहाँ से पैर हटा लेंगे। ये कुछ भी हमें रिस्पॉन्स देना होगा, ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ हमेशा कांटा ही लग रहा है, हमें कुछ भी रिस्पॉन्स देना है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें स्टिमुलस मिलता है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन वापस आती है, कहती है कि मतलब हमें क्या करना है उसमें, और फिर हम रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है। नाउ इफ़ यू थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, इट बिकम्स अपेरेंट दैट ऑल दीज मोमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इज केयरफुली कंट्रोल्ड। एनवायरमेंट के अंदर ये सारे मोमेंट जो होते हैं केयरफुली कंट्रोल्ड होते हैं, ये हमें समझने की बात है। ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मोमेंट इन रिस्पॉन्स। किसी भी तरह का कोई एनवायरमेंट में चेंज होता है तो उसके अप्रोप्रिएटली हम मूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम क्लास में बात करते हैं तो हम हल्के हल्के विस्पर बात करते हैं राधर देन शाउटिंग लाउडली, चेज नहीं चिल्लाते। क्यों? द मोमेंट टू बी मैड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। के बाद जब हमने पहले ऐसा कभी किया होगा, हम क्लास में
में तेजी से चिल्लाए होंगे, हमने शाउटिंग की होगी, तो क्या वो क्या होगा, मैम ने हमें डांटा होगा, टीचर ने हमें डांटा होगा। तो ये सारे जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये इवेंट्स ट्रिगर करते हैं एनवायरमेंट में, ये इवेंट्स हो चुके हैं, ये ट्रिगर करते हैं और हमें उस पर्टिकुलर इवेंट्स की तरफ लेकर आते हैं, उस एप्रोप्रिएट मोमेंट की तरफ लेकर आते हैं कि हमें किस दौरान कैसा मोमेंट करना है, राइट? आप समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, हम विस्पर करते हैं जब मैम क्लास में नहीं होती और जब हम शाउटिंग करते हैं जब मैम क्लास में, क्लास में मैम होती है तब हम विस्पर, मतलब हल्के हल्के से बात करते हैं। देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द वेरियस इवेंट्स इन द एनवायरमेंट फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। तो इस तरह के जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं, हमने जो कंट्रोल्ड मूवमेंट किया, ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट। हमने पहले रिकॉग्नाइज कर लिया ना कि अगर हम क्लास में तेज बोलेंगे तो मैम हमें डांटेंगी, ठीक है, हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो हम रिकॉग्नाइज जो रिकॉग्निशन पैटर्न्स होते हैं उनके रिस्पॉन्स में हम करेक्ट मूवमेंट का रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, करेक्ट तरीके से रिस्पॉन्स। अब ये सिर्फ क्लास का ही मैटर नहीं है, अब बाहर देख लें, अगर ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा सर्दी हो रही है या ज़्यादा गर्मी हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में हम बार बार, मान लीजिए हम बारिश में हैं, हमने बारिश में भीग रहे हैं, ठीक है बात, तो हमें पता चलता है कि हमें इससे फीवर हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस रिस्पॉन्स में, उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बार बार एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं और वो जो इवेंट्स ट्रिगर करते हैं, उससे हम करेक्टली रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से में होते हैं, उनके अंदर एक सिस्टम होता है, सिस्टम दिया होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कि आपको किस सिचुएशन में कंट्रोल करना है एंड कैसे अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेट करना है इन सारी चीज़ों को। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। देखिए बच्चे, जनरल प्रिंसिपल, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वहां पे हमने देखा था कि जो मोनेरा किंगडम होता है उसमें प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सारे किंगडम्स में यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब ट्रू सेल, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये बात पता है ना आपको। तो बच्चे, जब न्यूक्लियस वाली जो सेल्स होते हैं यूकैरियोट्स, जब वे मल्टीपल सेल्स इकट्ठी होती हैं तो वो टिश्यू बना लेती हैं, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज बना, एंड टिश्यू का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करना, राइट। तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शंस करना होता है। ये क्यों होता है, ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट कर सकें। अब इतनी बड़ी बॉडी है बच्चे, यहाँ से शुरू, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ पे अगर टच होता है तो हमें दिमाग को कैसे पता चलता है, ठीक है, या हमें कुछ भी कहीं पर भी हमारे ऐसे बॉडी के अंदर कुछ भी अटैक हो रहा है, मतलब कुछ भी इसी तरह किसी भी तरह का एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है और हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर्स किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी के सेंट नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं, राइट। तो बच्चे, इस चैप्टर में हमने क्या बात करनी है, नर्वस सिस्टम की बात करनी है। ये नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नर्वस टिश्यूज इंक्लूड होते हैं एंड मस्कुलर टिश्यू। अब अगर आपको याद हो कि जब हमने टिश्यू की बात की थी तो अलग अलग तरीके के टिश्यूज को कैटेगराइज किया था, जो हार्ट के टिश्यूज होते हैं, कार्डियक टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, ब्लड जो होता है हमारा, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, इस तरह की बात की थी। अगर आपने नहीं देखा, एक बार टिश्यू चैप्टर जाके देखें। नाउ बच्चों, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, जैसे हमने सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े, अलग अलग ऑर्गन्स की बात की, तो यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। नर्वस सिस्टम में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इस पिक्चर में। ये जो ब्रेन है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है एंड यहाँ से ये पूरा ब्रेन, यहाँ से आपकी होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ऊपर की तरफ बोन वाला स्ट्रक्चर ना बच्चा, वर्टिब्रा, ये इसके ऊपर इसको ढके रहता है, ये कवरिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल ब्रेन से ही जैसा होता है, इवन ब्रेन के ही टिश्यू का होता है। तो ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आती है क्रैनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर्स होती हैं एंड स्पाइनल नर्व जो कि 31 पेयर होती हैं। क्रैनियल नर्व्स क्या होती हैं, जो आपके ब्रेन से एसोसिएटेड होती हैं, ओके, एंड स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, इनको ध्यान रखना। नाउ अब यहाँ पर बच्चे हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में रिस्पॉन्स जब लगता है, डिटेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक कि हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा आइडिया आपको दे देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके कांटा रखा हुआ है, ठीक है, ये कांटा पैर में चुभा। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये आपका ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन की जो नर्व्स हैं, क्रैनियल नर्व्स, ये आगे आपकी फेस की साइड में जा रही हैं एंड ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व्स, ये पूरी बॉडी में इस तरीके से आपके फैले हुए हैं, राइट, पूरी बॉडी में। नाउ अब यहाँ पे टच हुआ तो कौन सी नर्व्स आ रही है, क्रैनियल नर्व्स, सॉरी स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पे टच हुआ, ओके, नाउ जैसे ही आपके कांटा लगा तो आपने सेंस किया,
सबसे पहले बच्चे ये समझने की जरूरत है कि सेंस क्या, सबसे पहले चुभा नहीं है, सबसे पहले सेंस क्या कि कोई चीज़ है। ये जो सेंस होता है ये होता है इस तरीके का स्टिमुलस। ओके, नाउ अब हम उसको रिसेप्टर्स के जरिए उसको डिटेक्ट करेंगे। अब हम रिसेप्टर्स के जरिए इसका समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, हमें काटा चुभा यानी कि दर्द हुआ। अब ये जो दर्द होने की इन्फॉर्मेशन है ये जाती है सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग की बात करने वाले हैं, ब्रेन के पास भी जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के पास भी, राइट। अब ये किसके जरिए जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए। अब बच्चों यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो न्यूरॉन्स के बारे में हम बात करेंगे, न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा होता है रिले न्यूरॉन्स एंड तीसरा होता है आपका मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होता है जो हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से से न्यूरॉन्स को दिमाग तक लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। रिले न्यूरॉन होता है जो इन्फॉर्मेशन को दोनों के बीच में कनेक्ट करता है। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन ने कहा अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, चलो मोटर न्यूरॉन तुम ये काम एक्ट करो, उस पर रिएक्शन दो। तो मोटर न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को वापस लेकर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी पार्ट्स में। अब ये मोटर न्यूरॉन जब यहाँ पर आया, इसने इन्फॉर्मेशन लेकर आया, तो इसने इफेक्टर्स आके कहा कि देखो ये प्रॉब्लम है, यहाँ से पैर हटा लेना है, राइट। अब ये इफेक्टर्स जब ये इन्फॉर्मेशन बताएगा तो यहाँ पर रिस्पॉन्स होगा और वहाँ से बंदा अपना पैर हटा लेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आगे यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने देखा टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। किस तरीके से, ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो आपका न्यूरॉन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जब से हमने सेल्स पढ़ी थी तब भी देखा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ये। इसके सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। हालांकि इस पिक्चर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये लंबी सी जो ये जा रही है इसको हम एक्सोन कहते हैं, इसके ऊपर माइलिन शीट होती है, इसको एक्सोन कहते हैं। देन ये माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट जहाँ पर ये नहीं होती उस जगह को हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, रैनवियर। एंड यहाँ पर बच्चे आपके होते हैं, ये एक्सोन है, तो यहाँ पर जब लास्ट में जाएंगे तो एक्सोन की एंडिंग हो जाएगी, तो इस जगह को हम कहते हैं एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड कहते हैं इसको, राइट। यहाँ पर जो नोब्स होते हैं इनको सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं, ये आपके सिनेप्टिक नोब। अब बच्चे जब इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती है ना, डेंड्राइट्स, इनका मैंने बताया आपको ये डेंड्राइट्स होते हैं, जब डेंड्राइट्स से इन्फॉर्मेशन जाती है तो ये पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करती है एंड ये ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर पहुँचती है और दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाती है कि चलो अब इन्फॉर्मेशन को तुम पास करो, ठीक है, ये मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, छोटू सा गैप होता है, बिल्कुल इतना दिखेगा नहीं आपको माइक्रोस्कोप से, इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स या फिर गैप होता है, ओके। फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन सिनेप्टिक नोब से ये केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं एंड यहाँ पर ये दूसरे डेंड्राइट के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है, फिर से। तो इस तरीके से पूरा नर्व इम्पल्स बन जाता है, जो ये मैंने आपको सिस्टम बताया था, यहाँ से यहाँ तक पूरा नर्व इम्पल्स बन जाता है, ओके। नाउ अब बच्चे ये बात जाननी है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, अब यहाँ पर आपके जैसे काटा लगा था तो यहाँ पे जो न्यूरॉन की डेंड्राइट होगी ना उसने स्टिमुलस लिया होगा, राइट। तो यहाँ पर होते हैं कुछ आपके आयन, सोडियम एंड पोटेशियम आयन, तो वो उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ही आप स्टिमुलस लेते हैं उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है, जैसे मूवमेंट होता है तो यहाँ पे होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ओके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको प्लीज़ याद रखनी है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ से पास करेंगे, ये पूरी बॉडी में यहाँ से आऊँगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ये न्यूरॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, सॉरी इन्फॉर्मेशन जा रही है। जैसे यहाँ पर आते हैं बच्चे तो यहाँ क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं और वो होते हैं केमिकल फॉर्म्स में, वो केमिकल्स फॉर्म्स को इस तरीके से रिलीज़ कर देंगे। तो यहाँ ना डायरेक्ट टेंशन नहीं होता डेंड्राइट्स का, गैप होता है, गैप के बीच में जब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स, इसमें डोपामाइन, सेरोटोनिन, अलग अलग तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये केमिकल सब्सटेंस आपके फिर डेंड्राइट से अटैच होंगे। तो यहाँ जो एक्टिविटी होती है दैट इज केमिकल एक्टिविटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यहाँ पर केमिकल सिग्नल, फिर दोबारा से वो केमिकल सिग्नल जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो आयन्स का मूवमेंट होता है, सोडियम प्लस पोटेशियम, ये इस तरीके से, एंड यहाँ पर फिर से आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है एंड फिर से ये कंडीशन चलती रहती है। ये पूरा प्रोसेस था। अब हम यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने एनसीईआरटी के जरिए। तो ये बच्चे आपके पास न्यूरॉन है, यहाँ सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल बॉडी है, इन दोनों को मिला के ये हम इसको सेल बॉडी बोलते हैं, अच्छा इसको डेंड्राइट, सॉरी, ये जो आपका न्यूक्लियस एंड ये डेंड्राइट इनको मिला के हम सेल बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से जा रहा है आपका एक्सोन, ओके, अब ये जो यहाँ वाला एड है ये नर्व एंडिंग या फिर एक्सोनल एंडिंग, और ये जो गोल गोल से आपके सिनेप्टिक नोब्स होते हैं। अच्छा बच्चे इसके ऊपर जो ये शीट दिखा रहा है कि माइलिन शीट, और ये आपको थोड़ा सा ग्रे कलर का कुछ दिखा रखा होगा ना, इसको हम कहते हैं श्वान सेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने भले ही नाम नहीं दिया लेकिन स्ट्रक्चर जरूर दिया है, तो श्वान सेल्स होती हैं, राइट। इनके अंदर जो फ्लूइड्स है इसके अंदर की बात करें, और ये जो बिल्कुल कोने पे जगह है जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर।
ओके अब जैसे ही हमने यहाँ पर इस नर्वस सिस्टम की बात की थी, तो हमने कहा था कि न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड मस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए बच्चे, इसमें तो आपने दिखा रखा है ना कि पूरी बॉडी के अंदर, अब यहाँ पे हमारी मसल सेल्स भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये न्यूरॉन्स मसल सेल्स से अटैच होते हैं ना, तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये मसल सेल्स से अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, राइट, बी में आपको दिखा। अब ये है आपकी मसल सेल्स, ओके, इन मसल सेल्स से न्यूरोन आकर अटैच हो रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना, सिनेप्टिक नोब्यू, ये आपको सॉरी डेंड्राइट्स, यहाँ पे एक्सोन जा रहा है, ये सिनेप्टिक नोब्यूल्स, यहाँ पे आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देन मसल फाइबर एंड कैपिलरी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, जैसे ही हम इस सिनेप्टिक नोब को थोड़ा सा जूम इन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर, जो कि जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है, आपको पता है। आगे ना वी नीड टू डिटेक्ट इन रिस्पॉन्ड इन हाउ टू डिटेक्ट सिंस वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एनवायरनमेंट से डिटेक्ट होती है कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स की वजह से, नर्व सेल्स की स्पेशलाइज्ड टिप्स क्या हो, डेंड्राइट्स, दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन सच एज द इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। तो बच्चे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर्स के पास से इन्फॉर्मेशन जाती है, कई तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। अब जैसे अगर आपकी टंग, आपने अपनी टंग के ऊपर कुछ शुगर पार्टिकल्स रखे हैं, तो जैसे ही रखे शुगर पार्टिकल दैट इज स्टिमुलस, और जब आपने उसका रिस्पॉन्स दिया कि ये मीठा है, तो ये रिस्पॉन्स जिसने बताया, तो रिसेप्टर्स कौन से हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर। तो हर तरीके के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, अगर आपको हीट फील हो रही है तो आपके थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर आपको पेन फील हो रहा है तो आपके नोसी सेप्टर्स होते हैं पेन वाले। तो इस तरीके से रिसेप्टर्स के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये रिसेप्टर्स अलग अलग जगह पर होते हैं, हमारे 7-5 सेंस ऑर्गन हैं, तो उन 5 सेंस ऑर्गन में ईयर में भी होते हैं ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर, सॉरी नोज में हमारे ऑल्फैक्ट्री होते हैं जिनसे हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, ईयर में होते हैं हमारे साउंड से रिलेटेड, टंग में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, और ये गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं आपके टेस्ट को। ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। बच्चों अगर आपने अन्नपूर्णी मूवी देखी है ना, अन्नपूर्णी मूवी नहीं देखी तो देख लेना बेहतर है। एक्चुअली अन्नपूर्णी मूवी के अंदर क्या दिखाया गया, जो एक्ट्रेस है वहाँ पे उसके गस्टेटरी रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, तो वो टेस्ट नहीं कर पाती है फूड का, ठीक है। नाउ दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक ट्यूब ऑफ ए नर्व सेल सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दिस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है डेंड्राइटिक टिप से इस तरीके से, और पूरा सेल बॉडी में चलती है। नाउ देन एक्सोन के एंड तक पहुँच जाती है, एक्सोन के एंड पर जाकर इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, यहाँ पर जाके कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, देन दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप क्रॉस करेंगे जिनको हम साइनेप्स भी कहते हैं, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरोन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा से वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से ट्रैवल करना शुरू कर देती है। ओके नाउ इट इज दिस इज जनरल स्कीम हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन ए बॉडी, किस तरीके से ट्रैवल करती है, जनरल स्कीम होती है। इट इज दस नो सरप्राइज दैट द नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन। अब हमें समझ में आया कि नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से बने होते हैं नर्व सेल्स के, जिनको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो अब इस पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी कि ये पूरा का जाल जो बिछाया हुआ है, एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नर्व सेल्स का पूरा सिस्टम होता है, नेटवर्क्स होता है, राइट। नाउ तो बच्चे अब आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है। अच्छा एक चीज़ और इन्होंने कही है, इस फिगर 6.1 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है न्यूरॉन के पार्ट्स को, कहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है, किस तरीके से ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ पर होता है, ये इंपल्स किस तरीके से कन्वर्ट होती है केमिकल सिग्नल्स में एंड ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो ये सारा सिस्टम्स यहाँ पर आपको इसके अंदर ड्रॉ करना है, डेंड्राइट पर इन्फॉर्मेशन पास हो रही है जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, तो आप चाहें तो इस डायग्राम को भी कॉपी कर सकते हैं, ये भी थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके नाउ इस एक्टिविटी में बच्चे क्या बताया है कि आपको टेस्ट करना है शुगर को, अपने माउथ पे रखना है और फिर उसके बाद अपनी नोज बंद कर लेनी है इंडेक्स फिंगर से। जब आप उसके बाद शुगर को टेस्ट करेंगे ना, तो आपको थोड़ा कम मीठा दिखाई देगा, सॉरी इसमें फील होगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा, क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम स्मेल के सेंस, हमारे जो रिसेप्टर होते हैं स्मेल रिसेप्टर और उसके साथ साथ जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर, जब ये एक साथ होते हैं ना बच्चे, तो ये बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करते हैं, एफिशिएंटली। लेकिन जिस दौरान आपने नाक को अपनी बंद कर लिया इंडेक्स फिंगर से, तो जो स्मेल रिसेप्टर होते हैं उनकी एब्सेंस हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर होते हैं दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर, वो टेस्ट रिसेप्टर आपके लिमिटेड हो जाते हैं। ओके तो इस दौरान आपको कम टेस्ट पता चलता है। ओके आगे की बात करते हैं हम यहाँ पर, वाट हैपन्स इन द रिफ्लैक्स एक्शन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। रिफ्लैक्स एक्शन क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर तमाम तरह के एक्शंस होते हैं। एक तो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन,
कि जब हम अपनी मर्जी के बिना कुछ भी एक्शंस करते हैं, जैसे कि हमने खाना पेट के अंदर जा रहा है तो आपने देखा होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारी इसोफेगस के अंदर, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, कभी आपका दिल कर रहा हो कि यार हार्ट कुछ दिन के लिए बंद हो जाए तो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारे कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं जो हमारी मर्जी के बिना नहीं चलते, ठीक है। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, स्विंगिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सारे हमारे वॉलेंट्री एक्शन। लेकिन बच्चे इन बिटवीन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एक्चुअल में लगता ऐसा है कि जैसे हमने अपनी मर्जी से ये काम किया है, हालांकि हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। ये एक्शंस भी एक तरीके के इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता, हालांकि जो अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका हार्ट का पंप करना हुआ, राइट, सॉरी हार्ट नहीं, एचईआरटी, हार्ट का अगर आपका पंप करता है तो वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है, आप सोचते नहीं उसके बारे में, लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व होता है वहाँ पर। आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जब आपने खाना खाया, इसोफेगस में इस तरीके से ट्रांसफर करता है, या आपका स्टमक आपका एसिड निकाल रहा है, काम कर रहा है, जो भी कुछ खर्च चल रहा है वहाँ पर, ये सारा आपका इन्वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। अब आप क्या कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता, अरे डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, बहुत छोटे से मात्रा में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो रिफ्लेक्स वर्ड्स आपने अक्सर सुना ही होगा, जनरली हम अपने एनवायरमेंट में यूज करते हैं। अच्छा, आई जंप आउट ऑफ द वे द बस रिफ्लेक्सली, आई पुल्ड माई हैंड बैग फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, ये सारे रिफ्लेक्सली, जैसे मैंने खाना देखा भूखा था तो मेरे मुंह में पानी आया रिफ्लेक्सली, ये सारे वर्ड्स हम क्यों यूज करते हैं। बच्चे कॉमन आइडिया इन सारी सिचुएशंस का ये है दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, हम जो भी कुछ ये सब कर रहे हैं ना बिना सोचे समझे, मुंह में पानी आया खाना देख के बिना सोचे समझे, विदाउट फीलिंग और इन कंट्रोल ऑफ रिएक्शंस, हमारी रिएक्शंस नहीं होती, बिना फीलिंग्स के भी हम ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। These are the situations where we are responding with some actions to change in the environment. ये ऐसी situations है जो हमने अपने environment में change होने के हिसाब से उस पर respond कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोच नहीं रहे। How is control and coordinate achieved in such situation? हम ऐसी situation में कैसे control करते हैं? Let's consider, देखते हैं एक example के तरीके से। जैसे हम touch करते हैं flame को, एक जो कि urgent and dangerous situations होती है, इनफैक्ट फॉर एन एनिमल या फिर एनिमल भी अगर उसको टच करे तो क्या करता है, एकदम से हमें पता चलता है कि वो एकदम से वहाँ से हाथ हटा लेता है, क्योंकि उसका हाथ वहाँ पे जल जाएगा। देयरफॉर मूव आउट द हैंड, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू थिंक अस। बच्चों ये सारी सिचुएशन, जैसे ही अगर आप सोचे ब्रेन यहाँ पर अगर यूज होगा तो क्या होता है कि यहाँ पे वो ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो बताएगा, जैसे हमने अभी पीछे पर देखा था किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जाती है, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होगा पहाड़। तो ऐसे क्या होगा, थिंकिंग ना लंबा सा प्रोसेस है ह्यूमन बींग के अंदर, सोचेंगे अच्छा चलो हाथ हटाना है तो बच्चों इतनी देर में तो हाथ जल भी जाएगा। तो एक्चुअल में जो थिंकिंग होती है ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, इट्स बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस ऑफ मेनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स। इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस इन्वॉल्व होती हैं, मेनी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो चीज़ें ऐसी हैं, जो एक्शंस ऐसे हैं जिनमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी से काम करना है, ऐसी जगह पर हम थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं करते और हम क्या करते हैं वहाँ पर, रिफ्लैक्स एक्शन, फास्ट एक्शन, रैपिड एक्शन, ये रैपिड इमीडिएट ऑटोमेटिक इन्वॉलेंट्री, इस तरह का रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस से। तो यहाँ पर आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा सा होता है, मैं भी बताऊंगी कैसे होता है। ऐसे केसेस में नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यूज इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड अरेंज्ड न्यूरॉन्स, वही सारी बातें यहां पर बताई गई हैं, किस तरीके से हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके फौरन वहां से हाथ हटा लेते हैं, किस तरीके से अपने आप को हट नहीं होने देते, किस तरीके से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो सारे फास्ट रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, दीज फास्ट रिस्पॉन्सेज आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, और जब ये पूरी ब्रांच बन जाती है रिफ्लेक्स एक्शन की, कैसे कैसे टच किया, कहां कहां से हटा, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब आगे देखते हैं, नाउ How does the design of the body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of the heat, it comes to detect heat where to be connected and nerves in the muscles. Simpler way, the process of detecting signals input is responding by the output actions might be counted quickly. मतलब ये सारे response, ये कहने का इनका मतलब है कि ये body इस तरीके से कैसे डिजाइन करी गई है कि मतलब हमें सोचना भी नहीं पड़ा, दिमाग तक बात भी नहीं जा रही और हम अपना काम कर देते हैं और ये रिफ्लेक्स आर्क हो जाता है, हम अपने मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर पा रहे हैं। Where should such reflexes arc connections to be made between the input nerves and the output nerves? तो ये reflexes arc actual में किसके जरिए से काम कर पाते हैं हमारी बॉडी को। अच्छा बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, यहाँ बार बार हम न्यूरोन्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारी के नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एल्जाइमर हुआ, ठीक है। तो एल्जाइमर में क्या होता है, हमारे न्यूरोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, न्यूरोन्स डिजेनरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रोल होता है ना ह्यूमन बॉडी का, जो मोटर कंट्रोल होता है उसकी, हाथों की एक्टिविटी, पैरों की एक्टिविटी, वो कंट्रोल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि न्यूरोन डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद एक दूसरी होती है आपकी पैरालिसिस, आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, जिस पार्ट पर पैरालाइज होता है उस पार्ट पर कुछ भी एक्शंस होता है तो फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि न्यूरॉन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर द फर्स्ट मीट ईच अदर,
नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब ये सारा प्रोसेस हो भी रहा है और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हो रहा, इतना फास्ट एक्शंस हम ले रहे हैं, तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है बॉडी के अंदर जिसको काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बना रही है. तो ये होते हैं हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट्स हमने पढ़े थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से ही अटैच होती है, लंबी सी होती है और उससे लंबी लंबी नर्व्स निकल रही हैं यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स, उनके जरिए इन्फॉर्मेशन जाती है और वहीं से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, अपने रिस्पॉन्स को ले लेते हैं. तो रिफ्लेक्स आर्क एक्चुअली एक तरीके से क्या हुई, इट फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड में बनती है इट सेल्फ. Although the information inputs and goes on reach the brain, although हालांकि information का जो inputs है वो brain तक तो जाता है, goes on to the reach of the brain, brain तक जाता है, लेकिन यहाँ पर काम spinal cord में complete हो जाता है. Of course, reflex has evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. इतना भी ज़्यादा fast नहीं है जो thinking process है human की body के अंदर animals के अंदर, इसी वजह से reflex arcs के evolves हो चुकी हैं animals के अंदर. बच्चे ये बहुत important है, आपको कोई teacher इस बारे में नहीं बताएगा कि reflex arc animals के अंदर evolve हुई है इस वजह से, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इतना भी फास्ट नहीं है कि हम एकदम से काम कर लें. इनफैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरोन नेटवर्क्स नीडेड फॉर थिंकिंग. इवन कुछ एनिमल्स तो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर इतने ज़्यादा थिंकिंग करने वाले न्यूरोन्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी नहीं होता. तो ऐसे लोग क्या काम करेंगे, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से हेल्प लेते हैं. इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्वड एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस. ऐसे केसेस में क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व हुई हैं इस काम को एफिशिएंटली फंक्शंस करने के लिए, दैट इज़ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस. बिल्कुल सही वाला थॉट प्रोसेस नहीं होता, ठीक है. सही थॉट प्रोसेस क्या है कि कोई चीज़ हमें अगर टच करी, अच्छा सोचते हैं इस बारे में क्या करना है, चलो ब्रेन इन्फॉर्मेशन दो, क्या करना है ये करना है, ये होता है ट्रू थॉट प्रोसेस. नाउ रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यूज टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्स. तो कहाँ ज़रूरी होते हैं, कंटिन्यू होते हैं क्विक रेस्पॉन्सेज के लिए. तो आप ये जरा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इमीडिएट होते हैं ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स. नाउ अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क होता कैसे है, हालांकि हमने कई मरतबा ये बात पढ़ी है. देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे हीट आपको लगी हाथ पर, तो आपके हाथ पर क्या हुआ बच्चे, सबसे पहले हुआ स्टिमुलस. ओके सबसे पहले आपने डिटेक्ट किया, कैसे डिटेक्ट किया, किसी स्टिमुलस से, ओहो हीट आ रही है. नाउ रिसेप्टर्स इन द स्किन, जो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, कि जैसे कि आपका थर्मो रिसेप्टर है तो हीट वाले, कोल्ड वाले, नोसिसेप्टर्स हैं पेन वाले. तो यहाँ पर आपको हीट भी लगेगी, दर्द भी होगा. तो ये इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर्स के जरिए जाती है सेंसरी न्यूरोन के जरिए. मैंने आपको बताया था तीन तरह के न्यूरोन, सेंसरी न्यूरोन, रिले न्यूरोन एंड मोटर न्यूरोन. जैसे ही सेंसरी न्यूरोन के जरिए इन्फॉर्मेशन जाती है तो कहाँ पर जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर पहुंची. और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो रिले न्यूरोन होता है, जो कि इंटरमीडिएट न्यूरोन होता है, इनके बीच के इन्फॉर्मेशन वाला जो बिचोलिया जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे देता है मोटर न्यूरोन को. मोटर न्यूरोन कहते हैं अच्छा एक्ट करना इसके ऊपर, चलो एक्ट करते हैं. मोटर न्यूरोन लेकर आए इन्फॉर्मेशन को और इफेक्टर को बता दिया कि भाई यहाँ से हाथ हटा लो. तो मसल्स इन आर्म, यहाँ पे क्या होती हैं इफेक्टर्स, क्या होती हैं एक्चुअल में, ये मसल्स होती हैं हमारे आर्म्स की और ये हमें यहाँ से हाथ हटाने के लिए बताती हैं. नाउ यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स आ जाता है, उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्स. तो ये पूरा होता है रिफ्लेक्स. अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड ने काम तो कर दिया, लेकिन ब्रेन के पास मैसेज पहुँच जाता है, क्या एक मेमोरी सेव कर लेता है ब्रेन, अच्छा मेरी बॉडी के अंदर ये काम हो रहा है, चलो मैं स्टोर कर लेता हूँ, आगे कभी ऐसा होगा तब देखेंगे. नाउ ह्यूमन ब्रेन, अब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, क्या पढ़ा सबसे पहले नर्वस सिस्टम, उसके अंदर हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो अब हम सिंपली ब्रेन की बात करेंगे यहाँ पे. तो बच्चे ब्रेन जो होता है ये थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन. ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रेन जो होता है ह्यूमन ब्रेन, ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ह्यूमन ब्रेन का, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सेरेब्रम, सॉरी फोर ब्रेन, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्जेस्ट, और फोर ब्रेन को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरेब्रम जो होता है ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है. ओके नाउ दूसरा होता है मिड ब्रेन एंड थर्ड होता है आपका हिंड ब्रेन. देखिए हिंड ब्रेन में तीन पोर्शन, सॉरी पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम, ये तीन पोर्शंस होते हैं आपके हिंड ब्रेन के अंदर. पिक्चर के अंदर समझते हैं, ये फोर ब्रेन आपको दिखाया गया सबसे बड़ा पार्ट. सबसे पहले आप ये देखिए ये पिक्चर कैसी लग रही है आपको, देखने में मजा आ रहा है इस पिक्चर को, चलो मैं आपको समझाती हूँ. ये ह्यूमन का ब्रेन है, ठीक है. ह्यूमन का ब्रेन ये दो पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट. ओके लेफ्ट हेमिस्फेयर इसको हम कहते हैं, राइट हेमिस्फेयर कहते हैं. नाउ इस ह्यूमन ब्रेन को आपको यहाँ से हमने काट दिया, काट दिया, ये अलग अलग पार्ट्स कर लिए. ओके ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन ये अलग अलग हो गए. अब हम इस पार्ट को उठा के यहाँ पे ये आपके सामने रख देते हैं. इस पार्ट्स में हम देखेंगे तीन पार्ट्स, फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. तो ये आपका सेरेब्रम हुआ,
देन आपका यहाँ पे होता है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे वाला जो पोर्शन होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। यहाँ पे बच्चों हाइपो का जो मतलब है वो है किसी चीज़ के नीचे होना, जैसे कि हम हाइपोगाइनी की बात करते हैं तो वो नीचे होती है। कुछ जगह पे हाइपो का वर्ड यूज़ किया जाता है लेस की वजह से, किसी चीज़ से कम दिखाने की वजह से, लेकिन यहाँ पे हाइपो किसी के नीचे आने की वजह से है, तो ये थैलेमस के नीचे होता है इसलिए हाइपोथैलेमस। उसके बाद दूसरा होता है मिड ब्रेन, यहाँ पे आपका मिड ब्रेन है। देन होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है पॉन्स मेड्यूला एंड सेरेबेलम। ओके, फिर उसके बाद आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन से अलग दूसरा पार्ट है। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखा हाइपो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से आ गई, यहाँ पे ये क्रैनियम कहाँ से आ गया, ठीक है, ये तो चीज़ है ही नहीं, इसका पार्ट ही नहीं। बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जब हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ेंगे, अभी तो हम कंट्रोल पढ़ रहे हैं अपनी बॉडी का, मतलब कंट्रोल कॉर्ड, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन सिस्टम देखें किस तरीके से होता है, तो वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि कुछ सब्सटेंस हॉर्मोन्स बनाती हैं और ब्लड के अंदर रिलीज कर देती हैं डायरेक्टली कि कहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, ठीक है। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, जो कि ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है। क्रेनियम क्या होता है, स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है ना, जिसको हड्डी की जो बनी होती है, दैट इज क्रेनियम। इसमें कुछ लेयर्स भी होती हैं, इन लेयर्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अगर इसमें दिया होगा तो मैं आपको बताऊंगी। नाउ अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो हमने देखा वी आर थिंकिंग बींग्स, हम थिंकिंग बींग्स भी हैं, ह्यूमन सोशल बींग्स भी हैं, ह्यूमन टॉकिंग बींग्स भी है, इस तरह के ह्यूमन बींग्स होते हैं। देखो स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड्स वो नर्व्स प्रोवाइड करती हैं जिससे हम थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस, दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन। ब्रेन जो है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद ब्रेन के वी ऑल्सो थिंक अबाउट द आवर एक्शंस, जैसे कि राइटिंग चेयर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कुछ भी, ये वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। नाउ दीज आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग वाट टू डू नेक्स्ट, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं अब आगे हमें क्या करना है। ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू द मसल्स, ब्रेन मसल्स को मैसेज सेंड करते हैं। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। दूसरा सिस्टम क्या है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेड बाई द पेरीफेरल सिस्टम। तो एक तो डायरेक्टली ब्रेन से हो गया, एक दूसरा जो ब्रेन से कनेक्टेड ये नर्व सेल्स होती हैं आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स की एंड स्पाइनल नर्व्स, ये सारी आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है जो एक्चुअल में ब्रेन से ही एसोसिएट होती हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ब्रेन आपका तीन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो बच्चे फोर ब्रेन जो है ये मेन थिंकिंग पार्ट्स होता है, जो भी हमारे साथ सोचने की सारी एक्टिविटी होती हैं ये एक्चुअल में आपके फोर ब्रेन के अंदर होती हैं, ओके। नाउ इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स, इसके अंदर सेंसरी इम्पल्स, वेरियस रिसेप्टर्स होते हैं। देन सेपरेट एरियाज होता है फोर ब्रेन के अंदर जो स्पेशलाइज होता है हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए एंड सो ऑन। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप बताएंगे फोर ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज चीज़ें भी होती हैं जिनसे हम हियरिंग, स्मेल, साइट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर द स्वेलोइंग एंड वॉमिटिंग, मतलब खाना अंदर लेके जाना, वॉमिटिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन से सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेड्यूला ऑब्लॉगेंटा एंड पॉन्स। ये आपका IAS 2007 में पूछा गया है। बच्चे ये क्वेश्चन को मैं नंबर टू कर रही हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ओके। नाउ वी हैव देर आर सेपरेट एरियाज एसोसिएटेड वेयर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाई पुटिंग टुगेदर विद द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर रिसेप्टर एज वेल एज द अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। बेस्ड ऑन दिस एक्शंस दीज ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड। वही सारी बात ये बता रहे हैं कि इस तरीके से सेंसरी न्यूरोन्स होते हैं कनेक्टेड, ठीक है, सेंसरी न्यूरोन्स से ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, फिर मोटर न्यूरोन्स उसको वापस लेकर आते हैं और वो उस मोमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है दैट इज वॉलेंट्री मसल्स, यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जिनको हम अपने हाथ से अपनी मर्जी से काम करवाते हैं, जैसे कि लेग मसल्स होती हैं, हमने कहा ना कि पैर हटा देंगे तो लेग की मसल्स, हमारी मर्जी की मसल्स चल रही हैं। सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग, हियरिंग, कुछ सेंसेशन थोड़े से अलग होते हैं। अब मैं अगला आपको सेंसेशन बताती हूँ, जैसे कि हमारा खाना भर गया है, तो ये कैसा सेंसेशन है, ये हमारे ब्रेन के अंदर कौन बताता है कि अब हमें भूख नहीं लग रही है, तो ये फोर ब्रेन का एक सेपरेट पार्ट होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि फोर ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो हमारे जो हंगर वाली चीज़ है उसको बताता है कि मतलब अब मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा खाना जो है पेट जो है भर चुका है, ठीक है, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, राइट। देखिए बच्चे एक बीमारी होती है, अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, बीमारी नहीं एक तरीके की प्रॉब्लम होती है कि किस चीज़ से अब तुम सफ़र कर रहे हो जब तुम्हें यही पता नहीं हो कि तुमने खाना कब बंद करना है, खाते रहते हैं। ऑप्शन से बुलिमिया, डायबिटीज, एनोरेक्सिया नर्वोजा एंड हाइपर एसिडिटी, UPPCS 2016 का क्वेश्चन है। आंसर मैं आपको बता रही हूँ बुलिमिया, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। नाउ स्टडी इस लेबल डायग्राम को आपने स्टडी कर लिया, उसके बाद बच्चों मैं थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। देखिए सेरेब्रम जो ये आपका सेरेब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट हो गया,
ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट भी अगर पूछेंगे और ऑप्शन में फोर ब्रेन नहीं होगा तो आपको सेरेब्रम आंसर लगाना है, ठीक है। थैलेमस जो होता है ये एक तरीके का रिले स्टेशन कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि रिले न्यूरॉन जो हमने देखी थी ना, जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन होती है वो यहीं से आपकी इनिशिएट होती हैं। देन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, और ये जो आपका हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, स्लीप, ये सारी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे भी वैसे इसके बारे में। नाउ हाउ दीज टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, किस तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक डेलिकेट ऑर्गन्स होता है ब्रेन के ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था इस पिक्चर में कि यहाँ पर जो खोपड़ी होती है ना, इसका जिसको हम बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर कुछ लेयर्स होते हैं जिनको मैनेजेस बोलते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम नाम देंगे ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ओके। सेकेंड वाले नंबर की हम नाम देते हैं अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड मैटर, MTER, एंड जो अंदर वाली होती है उसको हम कहते हैं पाया मैटर, ओके, पाया मैटर। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम CSF कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये इसी तरीके से कनेक्टेड आपके स्पाइनल कॉर्ड्स तक भी आती हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। ये बोनी बॉक्स के अंदर होता है हमारा जो ब्रेन होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है फिल्ड हुआ हुआ, जो प्रोवाइड करता है फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन, कि कुछ अगर बाहर से कोई चोट लगे ज़्यादा फर्क ना पड़े ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से एंड इट्स वट नाउ इफ यू रन सॉरी If you run your hands down the middle of your back, you will feel a hard bumpy structure. वो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। पीछे की तरफ हाथ करोगे तो वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा, और ये क्या करता है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। अब बच्चे एक्शंस कैसे होता है, ये जो हमने देखा कि फाइनल जब हम सारा का सारा हमने सिस्टम देखा कि स्टिमुलस मिला, देन उसके बाद रिसेप्टर, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद पूरा ये फाइनल आया। तो यहाँ पर एक्शन में जो फाइनल इंपॉर्टेंट वर्क हो रहा है दैट इज अबाउट द मसल्स टिश्यूज, मतलब जो फाइनल जॉब होती है मसल्स टिश्यूज की होती है। अब मसल टिश्यूज को हमने पढ़ा था कि मसल टिश्यूज के अंदर न्यूक्लियस होता है, बड़ी सी मसल टिश्यूज होती है, किस तरीके से ये शेप को चेंज करती है, कि अगर मान लीजिए हाथ ऐसा है, अब इसको तो मोड़ लेना है, तो यहाँ पर तो कुछ शेप चेंज हो रही होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिसके जरिए से ये सारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं और उसको शॉर्टन फॉर्म में कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स आर्क एंड वॉकिंग, के बीच में क्या डिफरेंस है। वॉकिंग होता है आपका थिंकिंग प्रोसेस, आप सोच समझ के कर रहे हैं ना उसको, वॉलंटरी प्रोसेस होता है, वॉलंटरी अपनी मर्जी से ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन लिमिटेड इन्वॉल्व होता है या फिर नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ये आपका इनवॉलंटरी होता है, फास्ट होता है, रैपिड होता है, ऑटोनोमस होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। साइनेप्स क्या होते हैं, अभी हम देखा था कि एक न्यूरॉन के जो लास्ट वाली एंडिंग होती है उससे जब दूसरा न्यूरॉन टच होता है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट गैप जो होता है, सबसे छोटा गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप उसको कहते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर, कौन सा पार्ट करता है, सेरेबेलम। देन हम जब स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, अगर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, देन रिफ्लेक्स एक्शंस होता है। ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, रोल ऑफ, अच्छा ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन का डायरेक्टली रोल नहीं है मेरे भाई, क्यों बार बार पूछे जा रहे हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, देखिए प्लांट्स के अंदर बच्चे जो कुछ प्लांट्स होते हैं, स्पेसिफिक प्लांट जिनमें सेंसिटिव होते हैं, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको टच मी नोट मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन टच मी नोट की बात करेंगे, NCERT ने इसको सजेस्ट किया है। इसको हम हिंदी में छुईमुई कहते हैं, वैसे मिमोसा पपेटस का नाम है, मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो बच्चे फैमिली यहाँ पे इन्होंने लिख दी ना ब्रैकेट में, UPSC में क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिमोसा कौन सी फैमिली से है, छुईमुई कौन सी फैमिली से है, टच मी नोट के बारे में बताओ, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, अब आपको दिख रहा है कि हमने टच किया क्विकली रिस्पॉन्स आ गया, तो यहाँ पे तो ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन ये तो मूवमेंट है। अभी हमने देखा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ सॉरी मूवमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो ग्रोथ हो सकती है और दूसरा बिना ग्रोथ के भी हो सकता है। तो पहला डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है स्टिमुलस का, कैसे, कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई मसल्स टिश्यू नहीं, कैसे होता है सारा चीज़ है पॉइंट। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन, अच्छा कुछ मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए सारी चीज़ें हो पाती हैं, कि प्लांट्स अपनी जो चेंज सॉरी शेप है उसको चेंज कर लेता है बाय द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि अगर पानी पानी बाहर ज़्यादा होता है तो हाइपोटोनिक सिचुएशन होती है, एंड जो सेल होती है वो पूरा स्वेल कर जाती है, ठीक है, अंदर पानी भर जाता है, और अगर पानी कम होता है तो हाइपोटोनिक सिचुएशन होती है, मतलब कंसनट्रेटेड होता है बाहर, तो जो सेल होती है हमारी वो श्रिंक कर जाती है, पानी बाहर निकल कर आता है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना बच्चे केमिस्ट्री वाला, तो प्लीज़ इसको जाके पढ़ें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार आपके काम आते हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है सॉरी ग्रोथ होती है, किस वजह से होती है। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट्स क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मींस ऑफ टेंडर्स। टेंडर्स होता है कोई इस तरीके से गुच्छा गुच्छा वाली चीज़ें जो बन जाती हैं, उसकी वजह से वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। ये टेंडर्स बड़े सेंसिटिव होते हैं टच के, जैसे इनको टच करते हैं ना, टच के बेसिस पे इनकी ग्रोथ होती है। कैसे, कि यहाँ पे प्लांट है, ये किसी चीज़ में टच हुआ, यहाँ पर टच होगी इसकी लीफ, तो दूसरी साइड वाली जो जगह होगी ना वहाँ पर टेंडर्स ग्रो करके उसको अटैच कर लेगा, ठीक है। एक तरीके से शातिर दिमाग खेलते हैं ये, कि जहाँ से टच होती है उससे दूसरी वाली डायरेक्शन से वो ग्रोथ कर लेगा। ऐसा क्यों होता है,
When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. जो part contact में आया है किसी चीज के वो growth नहीं करता और दूसरा part grow करता है. कैसे? This causes the tendril to circle around the object and thus क्लाइंग इट टू. ये वाला जो पार्ट है ना दूसरा वाला, ये क्लाइंग कर लेता है. ये तो अटैच हो रहा है किसी भी चीज़ से, ठीक है, लेकिन दूसरा क्लाइंग कर लेता है उसको इस तरीके से. ऐसा इसलिए होता है बच्चे कि जैसे ही कोई पार्ट्स किसी दूसरी चीज़ से अटैच होता है तो उसके बैक साइड में क्या होती है, ऑक्सिन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. ऑक्सिन, और ऑक्सिन की वजह से उसकी ग्रोथ हो जाती है. ठीक है, तो ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है प्लांट्स के अंदर. ये बात जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा बंदा आपको बताएगा. अगर कोई बताए तो मुझे भी बताना किसने बताया, ठीक है. बिकॉज This growth, this causes a tendril to circle around the object and thus cling to it. More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. क्योंकि ग्रोथ डायरेक्शनल होती है, इट appears as the plant is moving. ऐसा लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन example. यहाँ पे आपको ये सारा सामान इकट्ठा करना है. कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसके ऊपर उसे कवर कर देंगे, फिर उसको, मतलब कहने का मतलब ये इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है पानी के अंदर यहाँ पर, और प्लांट को रख देंगे किसी रोशनी वाली जगह पे. कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि प्लांट जो है ना सन की तरफ को चला जाएगा. तो ये जो सन की तरफ को जा रहा है बच्चों प्लांट्स, और रूट जो है वो चली जाएगी सन के अपोजिट डायरेक्शन में. अब आपने क्या करना है, एक्टिविटी उनके साथ खेल कर देना है. ये जो रूट वाला पार्ट है ना पॉट है, इसको थोड़ी सी देर इधर कर देंगे आप. जो अपना फ्लास्क है इसको उठा के आप सन की तरफ कर देंगे और प्लांट को इधर कर देंगे. कुछ दिनों बाद जाकर देखेंगे तो रूट की डायरेक्शन फिर इधर आ जाएगी और पेड़ की डायरेक्शन फिर इधर चली जाएगी. कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम शूट वाला पार्ट कहते हैं, ये तो जाता है सन के डायरेक्शन में, और जो रूट होती है वो जाती है अनदर डायरेक्शन में. अब जहां पर रूट जा रही है, इस जमीन को हम क्या कहते हैं, अपने अर्थ को जियो. ओके, जहां पर जमीन की बात आती है जियो. अब इसका जो इस तरीके का मूवमेंट है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिज्म, तो ये अर्थ के साथ साथ जा रही है ना, तो ये हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म. अब कैसा जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. क्यों पॉजिटिव, क्योंकि अर्थ के साथ जा रहा है ना बच्चे. ये अर्थ के अपोजिट जा रहा है, क्योंकि अर्थ तो नीचे है, ये जा रहा है अर्थ के अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म. ओके, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, याद रख लो, निगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक. ओके, नाउ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स करता है लाइट, ग्रेविटी एंड वेरी अदर्स एक्शंस डायरेक्शंस के जरिए से जो प्लांट्स पार्ट ग्रो करते हैं. ये जो डायरेक्शंस होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, ये या तो किसी स्टिमुलस के टूवर्ड्स हो सकते हैं या उससे दूर हो सकते हैं. जैसे ये लाइट का स्टिमुलस इनके टूवर्ड्स पड़े निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और उसके अगेंस्ट पड़े अवे फ्रॉम इट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. ओके, नाउ इसी को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है जियोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है जब प्लांट पानी की तरफ मूवमेंट करता है. अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो केमोट्रॉपिज्म, जिसकी तरफ जा रहा है उसी का ट्रॉपिज्म. ओके, आपने केमोट्रॉपिज्म कहाँ पढ़ा है बच्चे, आपने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ. ग्रोथ पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है इस तरीके से. ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, यहाँ पे होती है ओवरी, यहाँ पे होते हैं ओव्यूल्स, ये पोलन ट्यूब आती है इस तरीके से. ये पता कहाँ पर होता है, जब मेल फीमेल प्लांट्स का जो ये वो होता है फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब आती है इस तरीके से. तो ये जो ग्रोथ होती है ना, यहाँ पे केमिकल्स के जरिए इसको कुछ सेंस होता है और यहाँ पे जाते हैं, तो केमिकल्स का होता है, इसको हम केमोट्रॉपिज्म कहते हैं. ठीक है, नाउ द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक, बहुत क्विक होता है. द मूवमेंट ऑफ द सन प्लांट रिस्पॉन्स टू द डे नाइट बड़ा ही स्लो होता है. बच्चों जब हमने टच मी नॉट की बात करी तो बड़ा तेज मूवमेंट हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि सनफ्लावर को अगर हम धूप में रखते थोड़ा स्लो चलता है. तो ये जो क्विक रेस्पॉन्स है इसको हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, और ये जो आपका ट्रॉपिक जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है ये आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, और ये आपका थोड़ा स्लो होता है. ठीक है, नाउ ये होता कैसे है, देखिए बच्चे कोई सा भी अगर हमें मूवमेंट कराना है, बहुत फास्ट मूवमेंट अगर हमें कराना है, फास्ट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई में, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, कुछ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से. अब मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो कि एक्सीलेंट मीन्स है. इलेक्ट्रिकल इंपल्स से सबसे पहले क्या होगा, दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू. तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में सिर्फ वहीं तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगी ना जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है. और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब जनरेट होते हैं एंड ट्रांसमिट होते हैं तो एक उनमें थोड़ा सा गैप आ जाता है. ठीक है, जैसे कि एक इंपल्स ने दूसरे इंपल्स को इन्फॉर्मेशन दी तो दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन को पहले रिसेट करता है तीसरी से लेने से पहले. तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे गैप आ जाता है, इस गैप की वजह से थोड़ा टाइम ले लेता है. कहने का मतलब यह है कि सेल विल टेक सम टाइम टू रिसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जेनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इंपल्स. एक नया इंपल्स जेनरेट और ट्रांसमिट करने से
से पहले उसको ज़रा सा टाइम चाहिए। तो ये थोड़े से ना नुकसान होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के। तो हमने क्या करना है, जो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ज़्यादातर मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि चलो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कभी कभी यूज़ कर लेंगे, जब न्यूरॉन्स की ज़रूरत होगी ज़्यादातर हम केमिकल कम्युनिकेशन कर लेते हैं। क्योंकि केमिकल कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि उसमें केमिकल्स आपके पास है, उसको आपने ऐसे स्प्रेड कर दिया, सब में पहुंच जाता है, तो थोड़ा बहुत तेज़ आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। इफ अदर सेल्स अराउंड हैव्स मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स, अगर दूसरी सेल्स के पास कुछ ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स है उसकी सर्फेस पर जो उनको डिटेक्ट कर सके, तो इट वुड बी रिकोगनाइज इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को रिकोगनाइज कर लेगा, इवन ट्रांसमिट कर लेगा। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, ओके थोड़ा सा स्लो तो होगा बच्चे, बट पोटेंशियली सारी की सारी सेल्स पर पहुँच जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शंस, नर्वस कनेक्शंस भी नहीं है उसके बावजूद भी सबके पास पहुंच जाता है। ओके, ये होता है स्टेडिली एंड परसिस्टेंटली केमिकल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ बच्चे यहाँ पे क्या बताया गया है कि हॉर्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर ये जो केमिकल्स होता है इसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करता है, और इस हॉर्मोन्स की वजह से ही ग्रेट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अब जैसे प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स होता है ऑक्सिन हॉर्मोन, जो उसकी शूट टिप एंड रूट टिप की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। ये प्लांट है, नीचे की तरफ उसकी रूट है, यहाँ पर रूट की टिप है, रूट की टिप पर भी ऑक्सिन होगा, शूट की टिप पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, तो इन दोनों की ग्रोथ को करने के लिए ये ऑक्सिन हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, लंबा गिराने के लिए। आपने जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, देखिए व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि टेंडिल जो है यहाँ पे ये किसी पार्ट से जब अटैच होता है, मान लीजिए सनलाइट यहाँ पर है, ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दूसरा वाला जो पार्ट है ना उस शेडो वाला पार्ट वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होने लगता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये आपकी कोई भी प्लांट की सेल है, कोई भी शूट है, ठीक है, तो यहाँ पड़ रही सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये सनलाइट की तरफ मूव हो रही है, यहाँ पीछे वाला जो शेडी वाला पार्ट है यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रिलीज होने लगता है, और ऑक्सीजन जैसे रिलीज होता है तो ये ग्रोथ करने लगता है, तो ऑक्सीजन ग्रोथ करने में हेल्प करता है बैक साइड, जहाँ पर सनलाइट की बैक साइड में। नाउ दिस कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट, जो लाइट से दूर होती है। द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट, जब प्लांट्स टुवर्ड बेंड्स की तरफ लाइट की तरफ बेंड होता हुआ दिखता है। दूसरा प्लांट हार्मोन की बात कर लेते हैं, जिब्रेलिन, जो कि स्टेम की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। अभी हमने बात की ऑक्सिन की, ऑक्सिन शूट एंड रूट दोनों में हेल्प करता है, जिब्रेलिन एंड जो होता है ऑक्सिन की तरह है बट स्टेम की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में, अगर आपने साइटोकाइनेसिस पढ़ा है या थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो रैपिड सेल डिवीजन है उनको रैपिडली करा देता है, फ्रूट्स सीड्स इनके अंदर साइटोकाइनिन इन्वॉल्व होता है। एब्सेसिक एसिड ऐसा होता है जब प्लांट्स की ग्रोथ बहुत हो गई, अब नहीं चाहिए, उसको इनहिबिट करना होता है, जैसे कि विल्टिंग ऑफ द लीव्स, तो यहाँ पर आपका एब्सेसिक एसिड यानी कि उसको इनहिबिट करने के कुछ वक्त के लिए रोकने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन है एब्सेसिक एसिड। ओके, नाउ हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, अब एनिमल्स के अंदर वही सेम सिस्टम बच्चे यहाँ पर है, एनिमल्स के अंदर मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हॉर्मोन सिस्टम होता है। देखिए आपने कभी देखा है, हमें जब कभी डर लगता है, बहुत तेज डर लगता है, तो हमारी किडनी जो है ना, ये इनके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला जो अंदर वाला पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पार्ट, ये एक हॉर्मोन रिलीज करती है जिसको हम एड्रीनालिन कहते हैं। इस हॉर्मोन को हम 3F हॉर्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये फियर फाइट एंड फ्राइट ये हार्मोन होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही आपने किसी को देखा बड़ा सा है आपसे, बहुत बड़ा आदमी है भाई, मारतेगा आपको, आपको डर लगा, फियर, एड्रेनलिन रिलीज हुआ, आपने कहा चलो लड़ लेते हैं, थोड़ा लड़के देखते हैं, आपने फाइट की, लेकिन जब आप लड़ नहीं पाए तो आप भाग गए, फ्राइट। तो ये जो हार्मोन है जो डर की सिचुएशंस पे क्रिएट होता है, दैट इज एड्रेनलिन। नाउ अब हम यहाँ पे और हॉर्मोन्स की बात करेंगे। देखिए एक हॉर्मोन्स यहाँ पे आपकी पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम दिखाया गया है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन के अंदर दिखा दी थी ऑलरेडी उन्होंने, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। थायरॉइड ग्लैंड आपका थायरोक्सिन रिलीज करती है, थायरोक्सिन जिसको हम T3 हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन आपकी जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से रिलीज होता है। देन यहाँ पे आपका पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज बच्चे आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं एंड एंडोक्राइन, इसको हम
कैसे बताऊँ, मुझे टाइम बहुत लग रहा है बच्चे। देखिए एक्सोक्राइन भी होती है एंड एंडोक्राइन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को हम मिला कर कह देते हैं कि ये कंपाउंड ग्लैंड होती है। कैसी होती है? कंपाउंड ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी होती है जो पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करती है किसी डक्ट के थ्रू, ठीक है। एंडोक्राइन बिना डक्ट के, डक्टलेस होती है, हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर देती है। तो यहाँ पर तीन सेल्स होती हैं पैनक्रियास के अंदर, अल्फा सेल्स, इसको इसी में लिखेंगे, आपको केमिस्ट्री कम आती होगी, अल्फा सेल्स एंड आपकी बीटा सेल्स, और दूसरी होती है डेल्टा सेल्स। तो जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागोन रिलीज करती हैं, बीटा सेल्स आपके इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन के बारे में आपकी किताब के अंदर बताया, तो मैं आपको इंसुलिन के बारे में बताऊंगी, राइट। हाइपोथैलेमस हमने देखा था, हाइपोथैलेमस हमारे फोरब्रेन का पार्ट होता है, थर्स्ट, हंगर, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज कराने में भी हेल्प करता है। मतलब हाइपोथैलेमस ऐसा है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, चलो तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम हॉर्मोन्स को कैसे रिलीज करोगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बड़ी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को कुछ हॉर्मोन रिलीज करना है तो हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हॉर्मोन छोड़ देगा, अच्छा चलो पिट्यूटरी तुम ये रिलीज करो, उसके बाद कहेगा चलो चलो पिट्यूटरी बस बहुत हो गया, अभी इनहिबिटरी हॉर्मोन रिलीज कर देगा। तो ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है जो थायरॉइड के ऊपर चार ऐसे कलर के डॉट होते हैं, यहाँ पे मैंने कहीं लगाइए, देखिए कैसे दिखाऊं मैं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ना कुछ चार डॉट होते हैं यहाँ पर, इनको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहते हैं, डॉट नहीं होते, ग्लैंड होती है। देन थाइमस आपके यहाँ पर होता है, उसके बाद ये मेल का, ये फीमेल का फर्क ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ओवरी एंड टेस्टिस का फर्क है। टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पर ओवरी से आपका एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ओके बच्चे। नाउ अब यहाँ पे जो आपका थायरॉइड ग्लैंड है जिसको थायरोसिन T3 कहते हैं, ये आपका अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये आपकी ग्लैंड जो है स्वेल कर जाती है और इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज़ नोन एज गॉइटर। तो बच्चों इसके लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नेसेसरी होता है थायरॉइड ग्लैंड्स के बनाने के लिए, थायरोक्सिन हॉर्मोन्स के लिए। अगर ये कम हो जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो आपको गॉइटर हो जाएगा, ठीक है। गॉड ना करे ऐसा हो, मतलब मैं बता रही हूँ, इससे जनरली लोगों को होता है। कि थायरोक्सिन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए। जब हमने खाना खाते हैं तो तीन मिनरल्स हमको जनरली मिलते हैं, बड़े बड़े मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी कैसे वर्क कर रही है, बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ के लिए। अब आयोडीन सबसे ज्यादा जरूरी है थायरोक्सिन के लिए, आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें क्या होता है, नेक स्वेल कर जाती है। एक दूसरी प्रॉब्लम बच्चों, जो कि वेरी शॉर्ट ड्वार्फ एंड एक्सट्रीमली जानती, मैंने आपको बताया कि पीन जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वाली ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और ये ग्रोथ हार्मोन अगर कम अमाउंट में रिलीज हुआ है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब आप छोटे थे, तो ड्वार्फिज्म रह जाता है, मतलब बच्चा छोटा रह जाता है, मतलब वो बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, लेकिन इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। एक्सट्रीमली डार्क जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उसको जेंट कहते हैं। यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा हुआ है कि ये हार्मोन्स रिलीज करता है, रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, ओके। नाउ ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन हमने पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर होते हैं एंड एस्ट्रोजन जो फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक है। बच्चे आपने कभी देखा होगा कि अगर लेस शुगर, मतलब आपके घरों में, मतलब हो नहीं आपके घर में, कहीं पर भी आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा शुगर नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ना शुगर मेंटेन नहीं हो पा रही, जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो शुगर है ना वो मेंटेन नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि किसी ना किसी सेल में गड़बड़ी है। कौन सी सेल में? जो आपका पैनक्रियाज है, यहाँ पर आपका पैनक्रियाज होता है स्टमक के जस्ट पीछे की तरफ, ठीक है। इस पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स, मैंने आपको बताई थी, बीटा सेल्स से रिलीज होता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने जब इंसुलिन लेंगे तो ब्लड शुगर मेंटेन होगा, इसलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। आ गई बात समझ में? रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, ये सारी चीज़ें पढ़ ली इसमें, ये टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या करता है? सारे ऑर्गन्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। थायरॉइड ग्लैंड कहाँ से आता है? थायरॉइड ग्लैंड से क्या आ रहा है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, इसको T3 भी कहते हैं। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म, बॉडी ग्रोथ। इंसुलिन कहाँ से आता है? पैनक्रियाज से। और अगर इससे भी ज़्यादा पूछ लेंगे तो बता देना कि बीटा सेल से, अगर ज़्यादा ही तुम्हारे टीचर पूछे तो। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से आ रहा है। क्या फंक्शंस करता है बच्चे? जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। ओवरीज के अंदर से कौन सा हार्मोन आ रहा है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है। एड्रिनल कहाँ से आता है? एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ पर होती हैं एड्रिनल ग्लैंड आपकी? कहाँ पर होती हैं? किडनी के ऊपर होती हैं। इसका फंक्शन आप मुझे बताएंगे जल्दी से। रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन आता है आपका हाइपोथैलेमस से, ओके। हाइपोथैलेमस से क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन्स को रिलीज करो या इनहिबिट करो। तो ये सब कुछ पढ़ा हमने। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कैसा फंक्शन है? नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। इसके अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में। ये सब कुछ था बच्चे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी। ये क्वेश्चन करते चले जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? कौन सा प्लांट हार्मोन है यहाँ पे? इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकिनिन, सेल डिवीजन के लिए हेल्पफुल है। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है? साइनैप्स होता है। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज़ के लिए? थिंकिंग, रेगुलेटिंग ऑल ऑफ द। बच्चे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, UPSC में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बताए थे उनके आंसर